अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद मुसा मलिक और आप देख रहे हैं रज्जोल टीवी। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं पूरे पाकिस्तान में, सबसे पहले तो आपके लिए ये खुशखबरी है कि मैं डेली 9 बजे लाइव आ रहा हूँ यूट्यूब पे आप लोगों की सहूलत के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने स्टूडेंट्स लाइव में मुझसे क्वेश्चंस कर रहे हैं, सारी चीजें पूछ रहे हैं, मैं उनको बता रहा हूं। तो डेली रात 9 बजे, सर्दी बहुत है, आप कंबल में बैठें और लाइव मुझसे बात करें, सवाल करें जितने भी आप कर सकते हैं। रोजाना 9 बजे लाइव नशरियात होती है राजवल टीवी चैनल की यूट्यूब पे। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के वो सब बच्चे जिनके को मुश्किलात का सामना है, असाइनमेंट्स की टेंशन है, ठीक है, पैटर्न का नहीं पता, 14, 23, 14, 24, 14, 29, 14, 31, इन सारे की तैयारी कैसे करनी है, मैं सारे क्वेश्चंस के जवाब देता हूं। आज ये जो वीडियो मैंने खास आपके लिए बनाई है, ये है जी कि आज आपको मैंने तमाम प्रोग्राम्स की मशकों की आखिरी तारीख बतानी है। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, तो दूसरे लोगों की तरह जैसे पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया में लोग बहुत तेजी के साथ इसी चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, क्योंकि ये चैनल बना ही फ्री ऑफ कॉस्ट है आप लोगों के लिए, आपको फ्री गैस पेपर देने के लिए, फ्री आपको सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन बताने के लिए। तो फौरन से पहले मेरे चैनल राजवल टीवी को फौरन सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी नई हॉट न्यूज आएगी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। चले जी, बात करते हैं मशकों की आखिरी तारीख अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की। एटम 2023 का जो आपने एडमिशन भेजा है, जिसकी मशकें भी 2024 में जानी है और जिसके इम्तिहानात भी 2024 में होने हैं, तो मशकों की तारीख सुन लें। एक क्वेश्चन जो मुझसे हर कैंडिडेट करता है, ये जरा गौर से सुने। जो नए बच्चे हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम दाखिला भेजा है, वो कहते हैं जी कि पहली डेट को पहली मशक भेजनी है, दूसरी डेट को दूसरी मशक भेजनी है। आपकी आसानी के लिए मैं आपको बता दूं कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का जो आखिरी डेट होती है, उस डेट तक आप सारी मशकें सबमिट करवा सकते हैं, लेकिन उस डेट से एक हफ्ता पहले कम अज कम आपने सारी मशकें जो है वो जमा करवानी है। तो मैट्रिक की जो लास्ट डेट है मशकें जमा करवाने की, वो है 16/2/2024, 16 फरवरी, यानी कि अब जनवरी का मंथ चल रहा है, ठीक है, तो कल अगला मंथ जो आएगा, ठीक है, फरवरी का, तो 16 तारीख उसकी आखिरी है मैट्रिक और एफए की। देखिए मैट्रिक की 16/2/2024 और एफए की भी सेम है 16/2/2024, यानी कि 16 फरवरी से पहले पहले आप लोगों ने अपनी मशकें जो हैं वो जमा करवानी है, ठीक है। इसके बाद बीए की जो डेट है 1/4/2024, 1 अप्रैल 2024, अब उस डेट को वो क्या कहते हैं, अप्रैल फूल, फर्स्ट अप्रैल है, आप ये गलत ना समझ लीजिएगा। तो 1 अप्रैल जो है वो 2024 जो है, ये बीए की लास्ट डेट है मशकें जमा करवाने की। आप लोगों ने अप्रैल से पहले पहले मशकें जो हैं वो जमा करवानी है। इसके बाद बी एड और ए डी ए प्रोग्राम और बी एड की जो लास्ट असाइनमेंट की डेट है, वो है 15/3/2024, 15 मार्च 2024, 15 मार्च 2024, ये बी एड और ए डी ए की हैं। बी एड और ए डी ए की जो हैं, ये लास्ट मशकों की जो डेट है वो है जी 15 मार्च 2024, ठीक हो गया जी। लो जी, इसके बाद बीएस प्रोग्राम्स, जो स्टूडेंट्स बीएस प्रोग्राम्स के हैं, आप भी डेली 9 बजे मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मैं यूट्यूब पे लाइव आता हूं डेली 9 बजे, आप डेली आए 9 बजे यूट्यूब पे मुझसे बात करें और अपने क्वेश्चंस बताएं, मैं आपको जवाब दूंगा। कल रात काफी स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए और जब मैंने उनको आसान जवाब दिए, उनकी सारी टेंशन खत्म होगी, वो बहुत खुश हुए। तो आप भी आए आज रात, मैं फिर बैठ रहा हूँ, डेली बैठना है रात 9 बजे लाइव यूट्यूब पे राजवल टीवी। लो जी, बीएस की जो लास्ट डेट है मशकों की, वो जी 1/4/2024, 1 अप्रैल 2024, 1 अप्रैल 2024, ये लास्ट डेट है बीएस प्रोग्राम्स की। किसकी? बीएस प्रोग्राम्स की। कौन सी है? 1/4/2024,
बीएस प्रोग्राम्स की जो लास्ट डेट है 1/4/2024, ये भी आप सुन लें। इसके बाद एमए और एमएड, एमए और एमएड के जो मशकों की लास्ट डेट है वो है जी 1/4/2024, 1 अप्रैल 2024, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 1 अप्रैल 2024। तो ये पूरा खाता आपके सामने है, मैट्रिक एफए बीए एडीए बीएड बीएस एमए एमएड, और ये डेट्स आपके सामने हैं। आज आपको बताया गया कि इन डेट्स से पहले पहले आपने अपनी सारी जो मशकें हैं वो अपने ट्यूटर्स को भेजनी है। इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं यहाँ पे नोट्स दे रहा हूँ, और इसके बाद जो है इंशाल्लाह हम बात करेंगे आपके क्वेश्चंस की, और ये सारी चीजें आप देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया।